व्यासागर वेलफेयर एसोसिएशन रामेश्वरी हनुमान मंदिर नागपुर की ओर से हर दिन 500 लोगों को भोजन दान किया जा रहा। शहर में बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है। दक्षिण नागपुर अंतर्गत आने वाले दया सागर वेलफेयर एसोसिएशन रामेश्वरी हनुमान मंदिर की ओर से हर दिन 500 लोगों को भोजन दान दिया जा रहा है। अब तक इन युवाओं द्वारा मेडिकल के वार्ड नंबर 3 और 24 के अलावा और भी मेडिकल वार्ड के मरीजों के रिश्तेदार तथा बर्डी, गणेश टेकड़ी, बिजली नगर, भांडेवाड़ी, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर दया सागर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जरूरतमंदों को खाना दिया जा रहा है। रामेश्वरी के उस हनुमान मंदिर के पास है, जहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे हजारों लोगों का खाना बनने जा रहा है और ये जो खाना है ये तमाम लोगों को वितरित किया जाएगा। आप थोड़ा तन करके यहां बताइए, देख सकते हैं आपके किस तरह से यहां पे रोटी का अंबार धीरे धीरे लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वही एक ऐसे कुक है जो आज यहाँ पत्ता गोभी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है ये लोग। चलो तो अब हम जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार रोजाना वे लोगों को क्या खाना खिलाते हैं। इस समय मैं रामेश्वरी के उस हनुमान मंदिर के प्रांगण में और ये तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वही कार्यकर्ता है जो इन दिनों जरूरतमंदों को, भूखे प्यासे लोगों को खाना बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं दया सागर वेलफेयर एसोसिएशन के ये तमाम पदाधिकारी और सदस्य है। इसमें हमारे साथ में पार्षद गांड मनोज गांड जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मनोज जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज जरूरतमंदों को जो खाना बांटा गया, कब से ये कार्यक्रम शुरू है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये विगत 22 से ये कंटिन्यू नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और महानगर पालिका में जो बेघर लोगों को रखा गया है बरडी और सदर में, वहाँ पर हर एक व्यक्ति को यह खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम किसी आदमी को कम से कम भूखा ना सोने दे, बस इतना छोटा सा प्रयास लेकर हम पिछले 13-14 दिनों से यह काम कर रहे हैं। क्या लगता है, एक देश सेवा की भावना लग रही है मन में आपके? एक प्रबल देश सेवा की भावना यहाँ के युवाओं में है। आज जो विकट परिस्थिति यहाँ पे पैदा हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, ऐसी परिस्थिति में हमारे कई जो रोजमदारी से पैसे कमाने वाले लोग थे उनको खाने पीने की बड़ी समस्या हो गई थी। ऐसे समय में हमने विगत 20 तारीख से कार्यक्रम चालू किया। रोज हम 500 से 700 लोगों को खाना पहुँचाते हैं। इसमें कई सारे लोगों की हमको मदद हुई है, जो लोगों ने विभिन्न कुछ लोगों ने हमको आटा और तेल प्रोवाइड किया, कुछ लोगों ने पैसे भी दिए। और सबसे मेन चीज़ जो हमारी युवा इकाई है जो यहाँ पे लगातार, आप समझ लीजिए लगभग 24 घंटे ये लोग काम करते हैं। सुबह होते बराबर यहाँ पे अनाज की किल्लत, किराना, ये सब का अरेंजमेंट में लग जाते हैं तथा शाम तक ये खाना 3-4 बजे तक बन के तैयार होने के बाद में विभिन्न जगहों पे एक एक जो हमको कॉल आता है, चाहे वो रोड साइड लोग हो, चाहे किसी बिल्डिंग प्रीमाइसेस में कुछ लोग लेबर जमा है उनको चाहिए, वो हम लोग को फ़ोन करते हैं और ये मेरे सारे युवा भाई वहाँ जा करके खाना बिल्कुल टाइम से पहुँचा रहे हैं। ये कार्यक्रम विगत 14 दिनों से लगातार चल रहा है। हम जब तक के ये देश में लॉकडाउन पीरियड है तब तक इस खाने को कंटिन्यू करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है और हम इसको अवश्य कर पाएंगे हमारे युवा और सहयोगियों की मदद से। तो आप थे पंडित जी जिन्होंने बखूबी और विवेक के साथ बात करते हुए ये कहा कि किस तरह से यहाँ पे इस खाने का आयोजन किया गया है, उन लोगों के लिए कामकाज आ रहे हैं और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी तरह से खाना खिलाकर पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। रामेश्वरी से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज नागपुर।